IPL 2024 का ऑक्शन हो गया है और बात करेंगे आपकी 10 फेवरेट टीम की जिन्होंने प्लेयर्स खरीदे हैं। ऑल्सो बात करेंगे कौन सा प्लेयर सबसे महंगा बिका है और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो अनसोल्ड रह गए बहुत अच्छे होने के बाद। नंबर 10 में बात करते हैं KKR की। अब KKR ने सबसे महंगे प्लेयर को खरीदा है, मतलब कि मिचेल स्टार्क को। मिचेल स्टार्क को खरीदने के लिए KKR ने 24.75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और साथ में चेतन सकारिया को बेस प्राइस में। मिचेल स्टार्क को खरीदने के लिए सबसे पहले दिल्ली और मुंबई इनके लिए बोली लगा रहे थे और जब दिल्ली और मुंबई के पर्स से पैसे खत्म हो गए गुजरात और KKR इनके लिए लड़ाई करने लग गए। ये बोली 20 करोड़ तक चली गई, इसके बाद 24 करोड़ तक चली गई और फाइनली 24.75 करोड़ में KKR ने इनको ले लिया। नंबर 9 में बात करेंगे आप सबकी फेवरेट टीम और मेरी पर्सनली फेवरेट टीम लास्ट ईयर की विनर CSK की। अब CSK हमेशा की तरह बहुत कम पैसों में बहुत कमाल के प्लेयर ले जाती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले CSK ने 1.80 करोड़ में रचिन रविंद्र को खरीदा, जो अभी के टाइम में बहुत कमाल की बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। इसके बाद 4 करोड़ में शार्दुल ठाकुर को खरीद लिया और इसके बाद 14 करोड़ में डैरिल मिचेल को खरीद लिया। लास्ट ईयर CSK बहुत अच्छी टीम थी, फाइनल भी जीती थी और अभी तो इनका मिडिल ऑर्डर भी बहुत अच्छा हो गया है। रचिन रविंद्र जहां इनकी टीम में आ गए वहीं मिचेल की भी एंट्री हो ही गई है मिडिल ऑर्डर। नंबर 8 में आती है मुंबई इंडियंस। मुंबई ने पहले ही हार्दिक को ले लिया है गुजरात से एंड ऑक्शन में ये बहुत प्रिडिक्टेबल था कि इनको बॉलर चाहिए थे, इसलिए मुंबई ने बॉलर को ही अप्रोच किया। मुंबई ने पहले मिचेल स्टार्क के लिए 10 करोड़ तक बोली लगाई लेकिन उनके पर्स के पैसे खत्म हो गए, इसलिए वो मिचेल स्टार्क को नहीं ले पाए। इसके बाद वो साउथ अफ्रीका के जेराल्ड कोटजे को 5 करोड़ में खरीद लेते हैं, जो काफी अच्छे बॉलर हैं। और इसके बाद श्रीलंका के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर दिलशान मधुशंका को भी इन्होंने 4.60 करोड़ में खरीद लिया। ऑब्वियसली ये पूरे कैप्ड प्लेयर की बात कर रहा हूं मैं, अनकैप्ड प्लेयर की वीडियो एक अलग से आएगी। नंबर 7 में बात करेंगे राजस्थान की टीम। राजस्थान रॉयल्स ने एक ही प्लेयर को खरीदा है जो कैप्ड था। ऑक्शन में ये सबसे पहला प्लेयर था, इसका नाम है रोवन पवेल, जिसको काफी महंगा खरीदा है राजस्थान ने। 1 करोड़ इनका बेस प्राइस था लेकिन राजस्थान और KKR इनके लिए लड़ते रहे और 7.40 करोड़ में फाइनली राजस्थान ने इनको खरीदा। अब राजस्थान को मिडिल में एक बल्लेबाज चाहिए था संजू सैमसन के बाद, इसलिए उन्होंने पवेल को लिया ताकि वो आके हिट कर सके, बट ये तो IPL में ही पता लगेगा कि वो कितना अच्छा खेलेंगे। नंबर 6 में आती है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल में इस बार ऋषभ पंत रिटर्न आ गए हैं और वही कैप्टेंसी करने वाले हैं दिल्ली। सबसे अच्छी चीज ये है कि दिल्ली की बैटिंग काफी मजबूत हो गई है ऋषभ पंत के आने के बाद, और मजबूत करने के लिए इन्होंने हैरी ब्रूक को खरीद लिया 4 करोड़ में और इनके साथ ट्रिस्टन स्ट्रप को भी खरीद लिया बेस प्राइस 50 लाख में। अगर हैरी ब्रूक और ऋषभ पंत काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो दिल्ली प्लेऑफ में जा सकते हैं। वैसे आपकी फेवरेट टीम कौन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अब नंबर 5 में आती है हैदराबाद। हैदराबाद लास्ट टाइम की तरह भी इस बार बहुत अच्छे प्लेयर्स को लेके गई है। हैदराबाद ने टोटल 4 कैप्ड प्लेयर को खरीदा है जिसमें ट्रेविस हेड सबसे पहले आते हैं 6.80 करोड़, इसके बाद वनंदु हसरंगा 1.5 करोड़, इसके बाद उन्होंने पैट कमिंग को खरीदा था जो सबसे महंगे सेकेंड हाईएस्ट बिडिंग हुई IPL के अंदर इनकी 20.5 करोड़, और लास्ट में हैदराबाद ने खरीदा जयदेव उनादकट को 1.60 करोड़। ऑन पेपर हैदराबाद वन ऑफ द बेस्ट टीम है IPL 2024 की। नंबर 4 में बात करते हैं RCB की, जो सबकी फेवरेट टीम है। इसके बाद भी एक भी ट्रॉफी इनके पास नहीं है, इन्होंने किस प्लेयर को खरीदा है? अब इन्होंने पहले ही कैमरन ग्रीन को 17.5 करोड़ में ट्रेड में ले लिया था और अभी के टाइम में स्टार्क के लिए काफी ज्यादा गए थे लेकिन ये ले नहीं पाए। पैट कमिंग के लिए तो ये 20 करोड़ तक बोली लगा दी, इसके बाद भी नहीं ले पाई। और एट द एंड RCB को अल्जारी जोसेफ को लेना पड़ा 11.5 करोड़ में, जो थोड़े एक्सपेंसिव क्योंकि लास्ट ईयर जोसेफ ने इतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं था गुजरात की तरफ से, और अभी के टाइम में 11.5 करोड़ में। नंबर 3 में आती है प्रीति जिंटा की पंजाब। पंजाब कभी भी IPL नहीं जीत पाई है, काफी अच्छा परफॉर्म किए थे पिछले साल लेकिन नहीं जीत पाए थे, और अभी के टाइम में इन्होंने एक प्लेयर बस लिया है वो भी इंडियन बॉलर, आई डोंट नो, बट ये हर्षल पटेल के साथ गए हैं वो भी 11.75 करोड़, मतलब 11.75 करोड़। अभी काफी सारे अनकैप्ड प्लेयर लेने वाले हैं इसलिए इन्होंने एक ही कैप्ड प्लेयर लिया है। लेट्स सी ये कौन से अनकैप्ड प्लेयर लेते हैं और वो कितना इंपैक्ट डाल पाएंगे। नंबर 2 में आती है लखनऊ की टीम। पिछले साल KL राहुल लखनऊ में पूरे मैच नहीं खेले थे फिर भी लखनऊ प्लेऑफ में चली गई थी। देखने में ये टीम काफी अच्छी लगती है, मार्कस स्टोइनिस काफी सारे रन बना जाते हैं, बाद में इनको बॉलर की जरूरत और उसको देखते हुए इन्होंने शिवम मावी को खरीदा है वो भी 6.40 करोड़। यस आपने बिल्कुल सही सुना, काफी महंगा, बट 6.40 करोड़ में शिवम मावी को इन्होंने खरीद लिया है जो एक ही कैप्ड प्लेयर है। नंबर 1 में ऑब्वियसली गुजरात की बात करेंगे जो 2 सीजन में सबसे सफल टीम बन गई है। अब गुजरात बॉलिंग की तरफ जा रही थी, गुजरात के पास बैटिंग काफी अच्छी है और इनको हार्दिक का रिप्लेस चाहिए था। सबसे पहले इन्होंने अजमतुल्ला उमर जाय को खरीदा हार्दिक के रिप्लेस में, वो भी 50 लाख, मतलब भाई 15 करोड़ का रिप्लेसमेंट 50 लाख में हो गया। और मैं बता रहा हूँ उमर जाय बहुत कमाल का परफॉर्म करने वाले हैं इस IPL में, और इन्होंने उमेश यादव को भी ले लिया 5.80 करोड़ में। लेट्स सी उमेश कैसा परफॉर्म करते हैं इस IPL में। कुछ बड़े प्लेयर अनसोल्ड रहे जैसे कि करुण नायर, मनीष पांडे, स्टीवन स्मिथ। ये थी आपकी 10 फेवरेट टीम और उनके कैप्ड परचेस्ड प्लेयर। कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट टीम का नाम जरूर से बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।